हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोटीज वेज किचन। आज हम बनाएंगे काठियावाड़ गुजरात की बहुत ही पॉपुलर डिश ढोकली की सब्जी, जिसे आप पराठा, रोटी या भाखरी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी में हम प्याज या लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे जो जैन फ्रेंड्स हैं वो भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ढोकली। इसके लिए यहाँ पर मैंने करीबन 2 कप बेसन को छान लिया है। उसके साथ हमें चाहिए हींग, थोड़ा सा कुकिंग सोडा। कुकिंग सोडा आपकी ढोकली को बहुत ही अच्छा स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर देगा। थोड़ी सी हल्दी, टेस्ट के हिसाब से नमक, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन। अजवाइन से फ्लेवर सब्जी का बहुत अच्छा आएगा। और तेल। ढोकली बनाने के लिए हम इसे पानी में पकाएंगे। उसके लिए हमें करीबन 2.5 से 3 ग्लास इतना पानी मैंने लिया है। अब जो भी बर्तन यूज़ करें, ध्यान रहे वो हैवी बॉटम हो, नहीं तो हमारा बेसन नीचे चिपकता जाएगा। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। ये स्टेज पर हमें कुकिंग सोडा और ऑयल ऐड नहीं करना है। बाकी के मसाले ऐड करके करीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है। हम यहाँ बेसन को पानी में पकाकर ढोकली बनाएंगे। आप चाहे तो बैटर की तरह बनाकर भी उसे स्टीम करके रेडी कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे कुकिंग सोडा और ऑयल। अब इसे अच्छे से मिक्स करके और एक मिनट के लिए इसे बॉईल करना है। पानी जितना अच्छे से बॉईल होगा, ढोकली का टेक्सचर उतना ही अच्छा आएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करें। बेसन हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। बेसन कितना पानी अब्सॉर्ब करता है वो बेसन की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। इस तरह आप बीटर से उसे हिलाएंगे तो एक भी लम्स नहीं बनेगा और ढोकली एकदम स्मूथ बनेगी। ये देखिए, ये आटा इतना काफ़ी है। जब भी आप बेसन ऐड करें पानी में, गैस की फ्लेम लो कर दें और इसे अब लो टू मीडियम फ्लेम पर करीबन 2-2.5 मिनट के लिए इसे पकाना है। क्योंकि अगर बेसन अच्छे से पकेगा नहीं तो ढोकली हमारी अच्छे से नहीं बन पाएगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। पानी के बबल्स दिखना बंद हो जाना चाहिए मिक्सर में। ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे से गाढ़ा हो गया है मिक्सर हमारा। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो ये हमारा मिक्सर अब रेडी है। ये देखिए, ये इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। जिस प्लेट में हमें ये मिक्सर निकालना है उसे अच्छे से ग्रीस कर लें। सारा मिक्सर उसमें निकाल के उसे फैला लेंगे हम। ये मिक्सर एक बार आप थाली में निकालें, उसके बाद थोड़ी स्पीड रखिए क्योंकि ये मिक्सर बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद इसे आप अच्छे से स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। हाथ लगाते वक्त भी ध्यान रखें, ये मिक्सर काफ़ी गर्म रहता है तो इसे डायरेक्टली हाथ से ना छुए। पहले 1-2 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही चम्मच से फैलाते रहें। ये ढोकली जो आप हम बना रहे हैं यहाँ पे, जो लेयर बनेगा, मुझे थोड़ा पतला पसंद आता है। अगर आपको लगे कि थोड़ा मोटा चाहिए ढोकली का तो आप बड़ा लेयर भी बना सकते हैं। मैं हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के इसे स्प्रेड कर लूँगी। हाथ को ग्रीस किया है तो ये बैटर चिपकेगा नहीं आपके हाथ से और आप अच्छे से इसे स्प्रेड कर पाएंगे। सभी जगह एक तरह कर लीजिए। ये देखिए अब रेडी है। थोड़ा सा 5-7 मिनट ठंडा हो जाए उसके बाद इसे कट कर लेंगे।
ढोकली को मीडियम साइज से कट करें, बहुत ज़्यादा छोटी भी ना करें और बहुत बड़े बड़े पीस भी अच्छे नहीं लगेंगे सब्जी में। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है, प्लेट हमारी साफ निकल रही है, इसका मतलब है हमारा मिक्सचर परफेक्टली कुक हुआ है। अगर आटा अच्छे से कुक नहीं होगा तो ये नीचे चिपकेगा थाली में। ये देखिए सारे हम ढोकली के पीसेस रेडी है, अब हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने बटर मिल्क लिया है जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी से है, ना ही बहुत पतला और ना ही बहुत गाढ़ा। उसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बटर मिल्क में आप नमक डाल के उसे तड़का देंगे तो वो कभी कर्डल नहीं होगी। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे सबसे पहले, अब उसमें डालेंगे जीरा, लाल सूखी मिर्च और कुछ करी पत्ता। यहाँ मैंने सूखा करी पत्ता यूज किया है, हींग, लाल मिर्च पाउडर और अब ये बटर मिल्क ऐड कर लेंगे हम। इसमें डालेंगे थोड़ी हल्दी, बाकी के जो भी स्पाइसेस आप इसमें ज्यादा कम करना चाहें वो अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसे अच्छे से बॉईल होने दीजिए। आप जो भी बटर मिल्क यूज़ करें ध्यान रहे वो बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाए हम इसमें ढोकली ऐड कर देंगे और इसे और 3 से 3.5 मिनट के लिए इसे पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाएगी सारी ढोकली ऊपर फ्लोट करने लगेगी। ये देखिए आप देख सकते हैं सारी ढोकली के पीसेस ऊपर आ चुके हैं, तो हमारी सब्जी रेडी है। रेडी है हमारी ढोकली की सब्जी, आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी भाखरी या पराठा के साथ और एंजॉय करें। आशा करती हूँ आपको रेसिपी और वीडियो दोनों ही पसंद आएंगे। अपने सजेशंस मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।